अस्सलामुअलैकुम बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम हिंदी में फिर से कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आपके पास ये किताब होगी मधुबन सरल हिंदी पाठमाला एक। आज इस किताब में से हम पढ़ेंगे पशु मतलब एनिमल्स। इनमें से कुछ पशु तो आपके घर के आसपास भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला पशु कौन सा है। अरे यह तो कुत्ता है, डॉग। यह तो हमें हर जगह दिखाई देता है। आप मेरे पीछे दोहराएंगे, कुत्ता डॉग, कुत्ता डॉग। अब दूसरा है बिल्ली, कैट, है ना। इतनी प्यारी बिल्लियाँ होती है, मेरे पीछे दोहराएंगे, बिल्ली कैट, बिल्ली कैट। दूसरा है बंदर मंकी, बंदर मंकी। इसकी कहानी हमने इससे पहले पढ़ी थी ना। हाँ, तो ये है बंदर मंकी। दूसरा है गाय काओ, मेरे पीछे दोहराएंगे, गाय काओ। गाय हमें क्या देती है? दूध, है ना। तो इसे कहते हैं गाय काओ। अब दूसरा है ऊंट कैमल, ऊंट कैमल, मेरे पीछे दोहराएंगे, ऊंट कैमल। क्या आपने कभी ऊंट की सवारी की है? आप लोग कभी बैठे हो ऊंट पर? बहुत मज़ा आता है। तो ये क्या है? ऊंट कैमल। दूसरा है खरगोश रैबिट, मेरे पीछे दोहराए, खरगोश रैबिट। आपको पता है खरगोश को खाने में क्या पसंद है ज़्यादा? गाजर, है ना। तो चलो दोहराइए, खरगोश रैबिट, खरगोश रैबिट। दूसरा है घोड़ा हॉर्स। आप घोड़े पर भी बैठे हो कभी? ये कितने तेजी से भागता दौड़ता है, है ना। घोड़ा हॉर्स, मेरे पीछे दोहराए, घोड़ा हॉर्स। अब इसके बाद है हिरन डियर, हिरन डियर। हिरन कितनी खूबसूरत होती है देखो, ये है हिरन डियर। इसके बाद है हाथी एलिफेंट। कितना बड़ा और मोटा होता है हाथी, है ना। तो मेरे पीछे दोहराए, हाथी एलिफेंट, हाथी एलिफेंट। अब दूसरा है और आखिरी है बाघ टाइगर। क्या है वो? बाघ टाइगर, मेरे जैसे ही और मेरे पीछे आप दोहराएंगे, बाघ टाइगर, है ना। और ये कितनी ज़ोर से चिल्लाता है, आपको पता है। तो बच्चों, आज हमने कुछ पशु देखे। उनमें से कुछ पशु ऐसे भी है जो हम घर में रख सकते हैं, वो है पालतू पशु। पहला है कुत्ता डॉग, खरगोश रैबिट, दूसरा बिल्ली कैट। और उनमें से कुछ पशु ऐसे भी हैं जो सिर्फ जंगल में रहते हैं, और जंगल में रहने वाले पशु को कहते हैं जंगली पशु, और वो है बाघ टाइगर, हाथी एलिफेंट, हिरन डियर। तो बच्चों, आपको समझ में आया? आप एक बार फिर से मेरे पीछे दोहराएंगे, बंदर मंकी, कुत्ता डॉग,
ऊंट कैमल, बाघ टाइगर, खरगोश रैबिट, गाय काउ, हिरन डियर, हाथी एलिफेंट, बिल्ली कैट, आखिरी घोड़ा हॉर्स। तो बच्चों याद है आपको कि आपने स्वर पढ़े थे, तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, ओ से अनार, ओ से अनार, मेरे पीछे दोहराए। फिर हमने लिखा भी था, और ओ के बाद क्या आता है, आ, आ से आम, आ से आम। अब हम देखेंगे इसके बाद का स्वर क्या है, क्या आपको पता है, याद है आपको, चलो देखते हैं। ये है ई, इसे पढ़ते हैं ई, ई से इमली, मेरे पीछे दोहराए, ई से इमली। अब हम देखेंगे ई लिखते कैसे हैं। ये एक छोटी लाइन, फिर यहाँ पर एक लाइन, ये हो गया एस, और इसी को आप गोल घुमाकर नीचे चलाएंगे, ये हो गया ई। ऐसे एक छोटी लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक छोटी लाइन, फिर उसको ही जुड़ाकर आप लिखेंगे एस, और फिर आप आपकी पेंसिल वहीं पर रखकर इसे ऐसे नीचे लाएंगे, ये हुआ ई, ई से इमली। फिर एक लाइन, छोटी लाइन, एस लिखेंगे और फिर से घुमाकर नीचे लाएंगे, ई, ई से इमली, ई से इमली। तो ई से इमली के बाद आता है ई से ईक, क्या है ये, ई से ईक, इस ई को हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, ई से ईक, ई से ईक। अब हम देखेंगे इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले हम इस लाइन पर एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, अब एक छोटी खड़ी लाइन, फिर अब हम एस बनाएंगे और फिर इसी के ऊपर रखकर ऐसा गोल बनाएंगे, ये हो गया हमारा ई। पर अब हम अगर ऐसे डालेंगे तो इसे हम खींच कर पढ़ेंगे, ई, ई से ईक। फिर से लिखेंगे एक लाइन, फिर छोटी लाइन, एस जैसा लिखेंगे और फिर से गोल घुमाएंगे ऐसे, ऊपर दूसरी ई, और फिर ऊपर ऐसे डालेंगे और हम इसे खींच कर पढ़ेंगे, ई, ई से ईक। फिर से लिखेंगे ऐसी एक लाइन, फिर नीचे छोटी लाइन, एस, फिर ऐसे गोल घुमाकर नीचे लाएंगे और ऊपर ये डालेंगे जिससे हम इसे खींच कर पढ़ते हैं, ई, ई से ईक। तो हमने अब तक कितने स्वर पढ़े हैं, आप मेरे पीछे दोहराएंगे, ओ से अनार, इसके बाद आ से आम, फिर ई से इमली, और इसके बाद था ई से ईक, क्या है ये, ई से ईक। यह भी आप खुद लिखेंगे, आप खुद कोशिश करेंगे ये सब लिखने की, और आपको पूरा पेज लिखना है। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।